हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ओके चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा एक और एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपीरियंस वीडियो हमारा 36 है और इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं किस प्रकार आसनसोल और हावड़ा जो सेंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ग्रुप सी वाले जितने भी बच्चे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बताना चाहेंगे हम कि किस प्रकार से जो है आपके टेस्ट में बदलाव हुआ है और कौन कौन से बदलाव हुआ है और क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट ओके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई आरपीएफ एनएसडी कांस्टेबल के लिए जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पल पल के लिए जो है स्टूडेंट से बात करते रहते हैं और उनके एक्सपीरियंस को आपके लिए लेकर आते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब कोई नया वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी से संबंधित, यानी कोई भी सरकारी फॉर्म आएगा, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो है दोस्तों आसनसोल से। जी हाँ दोस्तों, आसनसोल सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। और आसनसोल हो चाहे वो हावड़ा हो, आप दोनों ही सेंटर्स के लिए लगभग सेम हो रहा है, तो आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हावड़ा के सेंटर वाले हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे जो है वहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है और क्या क्या सामग्री मंगाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों, वहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जाता है कि अपना एडमिट कार्ड रेडी रख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो है वहाँ पे क्या होगा, जब आप 300-400 स्टूडेंट जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक साथ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है मैं बताऊँ आपको, जो है एक लाउड स्पीकर लेके वो जो है बाइक से आपको बोलेंगे कि आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रख लीजिए बाहर, दो पासपोर्ट टाइप फ़ोटो, अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है वहाँ पे चेक होगा, एक कांस्टेबल जो है डेस्क पे बैठा रहेगा, वो एक एक नंबर करके आपका जो है जिस हिसाब से आप खड़े रहेंगे लाइन में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप जो पहले आए वो पहले खड़ा हो गया, जो पीछे आए वो पीछे खड़ा हो गया। वहाँ पर आपका जाँच होगा, मतलब कि आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद आपका आई प्रूफ यानी कि आधार कार्ड। ये दोनों ही चीज़ें जो है बहुत स्ट्रिक्टली से चेक हो रही है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था वही स्टूडेंट जो है देने बैठा है या कोई दूसरा आया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अपना मार्कशीट या फिर अपना जो आईडी कार्ड है आपका, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका हॉल टिकट पे होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मिसमैच हुआ जिनको उनको सीधा बाहर कर दिया गया। तो ये चीजें आपकी जब कंसिडर हो जाएगी यानी कि सही हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है अंदर भेजा जाता है। तो अंदर भेजा जाता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ आसनसोल में क्या हो रहा है, आपको सीधा जो है टेस्ट के लिए अंदर भेज दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जगहों पे क्या हुआ कि वहाँ पे मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं, दालों के नाम पूछे जा रहे हैं, लेकिन आसनसोल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, वो कभी भी किसी भी समय स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली कपूरथला में सेम इसी प्रकार हुआ। एक दिन एक हफ्ता बीतने के बाद जो है वो कभी भी मसालों के नाम सब्जियों के नाम आपसे पूछने लगेंगे। फिर उसमें आपको ये मत कहना कि सर आपने जो है बताया नहीं था। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जब बताया तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आपको मसालों नाम पढ़ना, तो काफी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर वहां पे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। बट इसकी क्या गारंटी है कि जो हमारे आने वाले बैचेस में है वहां पे जो है स्टूडेंट से पूछ लिया गया तो हमारे स्टूडेंट को काफी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों, आप हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, आपको कुछ नहीं जाता। 80 प्रकार के मसाले हैं, सब्जियां हैं, दाल हैं, ये सारी चीज़ों के नाम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, परख लेना है कि कौन सी चीज़ों का नाम क्या है, चाहे वो अखा मसाला हो, चाहे खड़ा मसाला हो, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो आपको जो है सबको सिर्फ एक बार देखना है, एक बार रिवाइज करना पढ़ना है, ताकि ऐसा हो कि आप अगर आज देख के जा रहे, आज का एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट ने हमसे शेयर कर दिया कि सर आज हमें सीधा राउंड में भेज दिया गया सेकेंड राउंड में, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपका ओरल टेस्ट होता था वो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके बैच में ये हो गया फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम जो अनुभव वीडियो लाते हैं वो हमारे पुराने वीडियो, जैसे कपूरथला जो दिल्ली में हुआ वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। धीरे धीरे समय बीतेगा, धीरे धीरे यहाँ पर कॉम्पिटिशन टफ करेंगे और वो नए नए राउंड एड ऑन करते रहेंगे। तो दोस्तों, टोटल 4 राउंड होते हैं, इसमें 40 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो पहले राउंड से मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपको पढ़ना है मसालों के नाम, जितने ही मसाले हैं सबके नाम आपको याद रखना है, उसके बाद सब्जियां और उसके बाद आपके दाल। ये तीनों चीज़ों के जितने किस्म के मकान पाए जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे मसाले हो, चाहे दाल हो, सबके नाम आपको पढ़ के याद रखना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि आपको पहचान के लिए दिया जाएगा। फिलहाल आज के एक्सपीरियंस वीडियो में मैं बता दूँ कि आज ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, यानी कि ये राउंड नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई मसाले का नाम नहीं पूछा गया, सीधा आपको क्या किया गया, अंदर भेज दिया जा रहा है, यानी हॉल में जहाँ पे आपको किचन है वहाँ पे आपको क्या है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 20-20 स्टूडेंट के बैच में, तो ये 20-20 का जब बैच बन जाता है तो इनको नाम दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इस प्रकार का जो है इनको एक नाम दे दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3। तो इस प्रकार जब आपको बुलाया जाता है तो आपके जितने बैच में जो जितने स्टूडेंट्स को रखा गया था वो स्टूडेंट जो हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे, और जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा सीधा आपका पहला काम, वो होगा आपको आटा सानना। जी हाँ, आटा गूंदना जिसे हम कहते हैं। तो आटा गूंदने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, एक बर्तन दिया जाएगा, कटोरी टाइप थोड़ी बड़ी रहेगी, जिसमें आपको 100 ग्राम आटा दिया जाएगा। अब 100 ग्राम आटा आपको दिया जाएगा, अब इसको आपके लिए सानने के लिए क्या मिलेगा, एक मिनट। अब एक मिनट आपको दे दिया गया, आटा रख दिया गया, पानी रख दिया गया और एक बर्तन दे दिया गया, कटोरी टाइप बर्तन रहता है दोस्तों, आपने काफ़ी लोग पूछा था तो ये बता देना ज़रूरी था मुझे। तो ये हो गया आपका सामान, अब आपको सानना है इसको एक मिनट के अंदर। तो कितना सानना है, कितना नरम करना है, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कितना आटा गूंदना है, आटा गूंदने का यहाँ पे अर्थ ये है कि रोटी जो है आपकी उससे बन जानी चाहिए, इतना आप उसको गूंद लीजिए, और वो रोटी आपको ही बनानी है दोस्तों। तो इसलिए आप इतने हिसाब से आटा जो है पानी ज़्यादा मत डालिएगा, गीला मत कीजिए, क्योंकि रोटी जब गीली हो जाती है उसे बेसन ज़्यादा लगता है, जब बेसन ज़्यादा जब उसका हो जाता है, जो पैथन जिसे हम कहते हैं, तो जो पैथन ज़्यादा लग जाता है तो उसके बाद क्या है, रोटी में जो है खरापन आ जाता है, जो एग्जामिनर देखता है कि आपने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कहते हैं ना कि बेसन उसमें पैथन लगा देते हैं, तो रोटी कैसे हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो झरने लगता है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आटा जो है नॉर्मल सानिएगा, पानी ज़्यादा मत मिलाएगी, बल्कि आप पानी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन गीले आटे को आप सूखा नहीं कर सकते। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते थे। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसी गलती किया, वो क्या कहते हैं 100 ग्राम आटा आपको मिल गया तो आप अपने हिसाब से पानी डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो आप एक तो या तो आप एक्साइटमेंट में ऐसा कर रहे हैं या तो आप नर्वसपन में कर रहे हैं, ये दो ही चीज़ें हो सकती है। बट आपका अगर आटा गीला हो गया तो आपको एक्स्ट्रा आटा तो दिया जा नहीं रहा है, यानी कि आपका तो हो गया नुकसान, क्योंकि 100 ग्राम आटा तो आपको दिया गया था। तो आपको जो है उस पर ध्यान रखना है कि आप जो है ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप सीधा वहाँ से बाहर हो जाएंगे। कोई भी दो चांस आपको नहीं दिया जा रहा दोस्तों किसी भी स्टेप में, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। अब हो गया आपका आटा सान के, अब क्या है आपको जो है भट्टी ऑन कर देनी है, जिसे हम गैस कहेंगे। तो आपने गैस ऑन कर दिया, उसके ऊपर आपने क्या किया, तवा रख दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चीज़ ये करनी है आपको, फटाक से जो है आपने अपना जो अपना रोटी बनाने का प्रोसेस है आप उसको बेलेंगे, जब तक वो सब करेंगे उससे पहले सबसे पहला स्टेप आप क्या कीजिए, भट्टी के ऊपर पहले तवा रख देना ताकि वो गर्म होने लगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप रोटी को जो है गोल गोल बना रहे हैं तब तक आपका जो है ये गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको आसानी से, जी हाँ दोस्तों, तवा गर्म मिलेगा और आपकी रोटी पकना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको जो है समय जो है बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समय की यहाँ पे आपको बचत हो जाएगी, और जब समय की बचत हो जाएगी दोस्तों तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा आपका पेशेंस में, यानी कि आप आसानी से उसे अच्छी तरह से पका सकेंगे रोटी को, और रोटी को अच्छे से पकाने के बाद उसको फूलाना है। जी हाँ दोस्तों, रोटी अगर फूलेगी नहीं तो आपको जो है कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, इसलिए रोटी को अच्छी तरह से फुलाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रोटी जो है मोटी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, रोटी को मोटा ही मोटा बेल दे रहे हैं, क्योंकि छोटे में आता ज़्यादा वो बेल नहीं रहे, क्योंकि वो जगह जैसे ही पतली हो जाएगी तो वो रोटी टूटने लगती है, किसी के चिपकने लगता है, क्योंकि आटा अच्छी तरह से साना हुआ नहीं रहता। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी, घर पर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आटा सानना जितना आप मेहनत का काम है उतना ही मेहनत का काम उसे रोटी से बनाना है उसका। तो अगर दोनों ही चीज़ों में कॉम्बिनेशन होगा, यानी आटा अच्छा साना होगा तभी जाके उसकी अच्छी रोटी बनेगी, अगर एक भी चीज़ में आप गड़बड़ी की है तो आपका समझ लीजिए सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। तो रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए और रोटी टूटनी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो भी ये है कि रोटी टूटनी नहीं चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेंशन किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से देख रहा है एग्जामिनर कि आपकी रोटी कहीं से टूटी है या फूटी हुई है या जली हुई है। जी हाँ, जला हुआ भी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ध्यान से चेक कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हो गई आपको, अब दिया जाएगा आपको एक प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज दिया जाएगा, तो प्याज के साथ क्या करना है ये आपको एग्जामिनर बताएंगे। अगर आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे आपको सिर्फ दे दिया हो, तो आप ये सोचेंगे कि आपको शायद सलाद काटने के लिए कहा गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सलाद आपको नहीं काटने के लिए जाएगा, जब दिया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा। तो दिया जाता है ये सेकंड राउंड में, वो आपको होता है सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी बनाने के लिए आपको किस प्रकार प्याज काटना है आपको पता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करना है, जैसे ये है तो आप इसे इस प्रकार काट लीजिए, फिर इसको ऐसे से काट लीजिए, तो क्या जाए छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे, तब ये क्या है आसानी से जो है गल जाएगा, यानी कि सब्जी में गल जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। इसके बाद आपको सब्जी बनानी है, सब्जी में आपको लौकी की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, वॉट एवर जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, बाज़ार से सामान लाया जाता है, अभी फ़िलहाल के कुछ दिन है, स्टार्टिंग डेज है, इसलिए आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक अच्छे तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पाई है।
तो मेन पर्पज़ यही है कि उनके पास सामान पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता चलेगा दोस्तों। उसके बाद जो है अच्छी तरीके से उनके पास पूरी तरह से जो है सामान हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड भी होगा, सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, फिर आपसे ऑमलेट भी बनाया जाएगा, फिर आपसे सब्जी बनवाई जाएगी, फिर आपसे जो है पकौड़े भी तलवाए जाएंगे, फिर आपसे चिकन ही बनवाया जाएगा। मतलब जो कुछ भी है आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जैसे दिल्ली और कपूरथला में हुआ था। ये मत सोचिए कि ग्रुप सी है तो आसानी से आपका जो है नॉर्मली सिर्फ आटा सान के रोटी बना के और सलाद काट के हो जाएगा। सलाद पे भी मैं आपको बता दूँ फोकस की सलाद को काटना है, चाहे वो गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे प्याज हो, जितना भी सामान आपको दिया जाता है उसे अच्छी तरह से काटिए। प्लेट को अच्छे से पहले धो लीजिए, सलाद को काटने से पहले उनको फ्रूट्स को धो लीजिए अपना, चाहे वो गाजर हो, टमाटर हो, प्याज हो, जो है इसको पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद होगा आपका एग्जाम, आपको मेंशन जो है आपको ध्यान दे रहा है, आपके ऊपर ध्यान रखा हुआ है, आपने एक भी स्टेप मिस किया, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर ध्यान नहीं रखा है, यही पे चालाकी हो जाती है कि वो आप पे जो है पल पल का जो है नजर रखा हुआ है कि आपने पहले धोया कि पहले काटा कि उसके बाद धोया। जी हाँ, आपको पता है कि इन सब चीजों में क्या है डिफरेंस। हम सब्जी को पहले धोना पड़ता है, उसके बाद काटना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, धो लेने से पहले जो काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो उनको लगता है कि एग्जामिनर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ काटने से मतलब है। नहीं, यहाँ पे आपके माइनस मार्किंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अब आगे वाले राउंड में क्या होगा, आपको दाल बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसलिए सब बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको जो है एक भी चीज़ मैंने मिस आउट किया है। आपको आज के एक्सपीरियंस में भले ही दाल नहीं बनवाई गई, जी हाँ दोस्तों, तीन ही चीज़ कहा गया, रोटी बनाने को कहा गया था, आटा सानने को और सलाद काटने को, तो ये सब चीज़ें ही बनाई जाएँ। लेकिन दाल जो है आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों, आगे के जो भी आने वाले समय है यानी कि अगले हफ्ते से जो स्टार्ट होगा उसमें तो आपको पक्का दाल बनानी पड़ेगी। तो ये तीसरा चौथा राउंड में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो आपका आखिरी राउंड होगा, यानी कि आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं ओरल वाला, फिर सेकेंड जो आप प्ले करते हैं सब्जी वाला, फिर थर्ड जो आप प्ले करते हैं दाल वाला, फिर चौथा राउंड जो होता है वो आपकी पसंदीदा होता है, यानी कि आपकी पसंदीदा चॉइस आपको क्या करना है। तो आपकी पसंदीदा चॉइस में आपको जो भी बनाना हो आप बना सकते हैं बेफिक्र होके, उस पर भी आपके 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल चार पे जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर 40 मार्क्स हैं और 40% मार्क्स आपको लाना पासिंग होता है। और दोस्तों ये मार्क्स आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका CBT 1 में जितने मार्क्स आया था वो इसमें एड ऑन होकर फाइनल लिस्ट बनेगी 100 नंबर की। तो ये 100 नंबर का जो लिस्ट बनेगा उसमें से आप 60 ला रहे हैं, 65 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, 61 ला रहे हैं, जो भी आप लाएंगे वो तो फाइनल कट ऑफ के बाद मालूम पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि दोस्तों 400-300 स्टूडेंट्स रोज आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट आ रहे हैं और पास हो रहे हैं सिर्फ 10 से 15 स्टूडेंट ओवरऑल दोस्तों। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मैक्सिमम बताया है, मिनिमम कभी कभी चला जाता है 9-8 तक, लेकिन ये मैक्सिमम जो है 10 से 15 स्टूडेंट जो है पास हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितना प्रकार का जो है कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं आसनसोल में, और अभी जो है ये स्टेप जो है ऊपर और जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितना आप बैक डेट में जाएंगे यानी जितना पुराने डेट में होते जाएंगे उतना जो है कॉम्पिटिशन टफ होते जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन जिनका स्टूडेंट्स का अभी रिसेंट में है उनके लिए ये है कि उनके राउंड्स कम है, उनके पास पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं है, और जिन जिन स्टूडेंट्स को जो है इतने चांस मिला है उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। बाकी जो पीछे वाले डेट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास जो है ज्यादा सामान हो जाएगा, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपको दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों अभी से ही जो है आपके सारे स्टेप्स की जो आप तैयारी करना चाहिए, भले ही आपको जो है पीछे डेट हो चाहे आगे के डेट हो, क्योंकि आपके साथ कभी भी क्या हो सकता है आपको खुद को नहीं पता। ये RPF एनएसरी कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वो आपसे कुछ भी बनवा सकते हैं, वही उनका अधिकार है। तो आप चाहे ऑमलेट बनवाए, चाहे आपसे रोटी बनवाए, चाहे आपसे सब्जी बनवाए, चाहे वो आपसे मसालों के नाम पूछे, चाहे दाल के नाम पूछे, क्योंकि फूड कैटेगरी यानी वाटर कैरियर में ये सभी चीज़ें आती हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बता दूं कि हमें सब जो बार्बर का है काफ़ी मैसेज आता है, तो बार्बर वालों आपके लिए है वीडियो तैयार हो चुका है। जी हमारा एक्सपीरियंस वीडियो मिल चुका है, तो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे ताकि आप सभी को भी आपका टेट टेस्ट के बारे में पता चल जाए कैसे कैसे आपको जो है फॉलो स्टेप करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।